साथियों, हम दिनेश कवि माली देवरिया के धरती से ये प्रोग्राम भेज रहे हैं भोजपुरी बिरहा। आप लोग गाना तो बहुत सुने हैं और हम गाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन ये बात मीडिया सोशल पर अमर उजाला की माध्यम से, दैनिक एक बार की माध्यम से बात छपा। आज भारत में चारों तरफ हाहाकार मचा दिया है, चारों तरफ हल्का मचा हुआ है इस बात का। कहीं बम कांड है तो कहीं एक्सीडेंट कांड है तो कहीं गोली कांड है, आज बात एक करंट कांड की आ गई। और चार लाइन भूमिका देना है। कहीं प्रेम भक्ति, कहीं प्रेम शक्ति, कहीं प्रेम अमृत का धारा मिला, कहीं प्रेम में दिव्य दिन कर की ज्योति, कहीं प्रेम भीतर किनारा मिला। ये जमाना है जालिम सदा प्रेम का, कली खिल कर के डाली में मुरझाती है, प्रेम में घटी घटना अररिया जिला, बात झोटू यादव संग में आरती का है। मेरे साथियों, ये बिहार प्रांत ये पटना के बाद अररिया जिला पड़ता है। घटना कैसा है, घटना कहाँ का है, घटना किस प्रकार का है। 6 जुलाई सन 2022 बुधवार की रात जिला अररिया थाना रानीगंज की घटना विख्यात। दो लाइन कव्वाली का टुकड़ा यहां देना है, मास्टर जी इतनी बजाइए तो। अरे मेरे महबूब ने क्या प्यार का अंजाम दिया, प्यार मांगा था तो झोली में मेरे डाल दिया, ही भाव है। लेकिन भाव में बात क्या है उसे आप सुनिए। जब प्रेम चढ़ जाता है तो कुछ दिखाई नहीं देता है। अरे प्रेम चढ़ जाए तो ना बात समझ आती है, प्रेम में दिन कहीं रात ना बुझाती है, प्रेम में ना दिन समझ में आता है, ना रात समझ में आता है, ना सांप समझ में आता है, ना कांट समझ में आता है। प्रेमिका बुला दिया तो प्रेमी को जाना ही पड़ता है। कहानी स्टार्ट है, घटना है कहां का। जिला अररिया बात रानीगंज थाने की, जिला अररिया बात रानीगंज थाने की, बरहुआ गांव सुन यादव घराने की,
धीरेन्द्र यादव जी की आरती कुमारी थी, धीरेन्द्र यादव जी की आरती कुमारी थी, भाई रविकांत विष्णु कांत की दुलारी थी। ग्राम रा हरिया ये कई साल का जवान रहा, ग्राम रा हरिया ये कई साल का जवान रहा, पिताऊ में से छोटू यादव जिसका नाम रहा। खरसाई पंचायत पर रहुआ में ननिहाल रहा, खरसाई पंचायत पर रहुआ में ननिहाल रहा, प्रेम आरती से हुआ ऐसा बना हाल रहा। मोबाइल फोन द्वारा बात दोनों करते थे, मोबाइल फोन द्वारा बात दोनों करते थे, शादी का कसम लेकर एक पर वो मरते थे। इधर आरती के परिवार में विरोध रहा, इधर आरती के परिवार में विरोध रहा, सुबह वो शाम सबके दिल में प्रतिशोध रहा। बुला लो छोटू को अगर बात हम पढ़ाएंगे, बुला लो छोटू को घर बात हम पढ़ाएंगे, उसी के साथ में शादी तेरा रचाएंगे। खरसाई पंचायत क्षेत्र में एक ग्राम है बरहुआ, वहीं के रेंद्र यादव थे, इनके लड़की का नाम था आरती। आरती का उम्र 19 साल का था और बरहुआ खरसाई से 4 किलोमीटर है ग्राम रहरिया की दूरी। वहीं के छोटू यादव था जिसका उम्र 21 साल का था, ऐसी के साथ प्रेम था कि छोटू का ननिहाल बरहुआ ग्राम में था, आना जाना लगा हुआ था, नजर लड़ गई, बात बन गई, ये 2 साल से प्रेम लोग करते थे, आपस में कसम भी था शादी का। लेकिन आरती के भाई बड़े का नाम था रविकांत, छोटे का नाम था विष्णुकांत और भाभी का नाम था रूबी। के आरती का दादी भी हैं, माँ भी हैं, सभी हैं, लेकिन परिवार में विरोध था। अब ये एक रोज की बात है कि रूबी भाभी आरती से बोलती है कि जब इतना प्यार है तो बुला लो छोटू को घर, उसी के साथ तुम्हारा शादी हम लोग करवा देंगे। लेकिन इस बात को आरती नहीं समझ पाई कि मेरे साथ होने वाला क्या है, आश्चर्य वही है। अरे प्रेम में खुशी कहीं गम भी नजर आ, यहां पर एक लाइन तर्ज देना है। नदिया के तीर पापलानी मोरे छिछली गड़हिया पघनी बसवड़िया, पीपर के पेड़ पर निशानी मोरे मितवा, नदिया के तीर पर पलानी मोरे मितवा, नदिया के तीर पर पलानी मोरे मितवा।
हे भाभी रूबी का बात सुनकर के आरती फोन कर दिया छोटू को कि आइए पूरे परिवार राजी है शादी करने के लिए। और जब फोन आरती का गया छोटू यादव खुश होकर के चल दिया पाई के खबर चल दिया रे जवनवा। जन लेना भेद जाल तरल भाषा मनवा। जन लेना भेद चाल तरल भाषा मनवा पाई के खबर चल दीजा रे जवनवा। मेरे साथियों ग्राम रहरिया से 2 बजे रात में चल दिया छोटू ग्राम ब्रहुआ के लिए। आगे होता है क्या, अरे 2 बजे रतिया में आके खुशा भइले। दोनों भाई कमरा में धक बंद कइले। पवन यादव मिथिले से आई गई ले चंदन जर उड़ रहले चंदन जर उड़ रहले रूबी कभी रनवा भाई के खबर चल दिया रे जवनवा। मेरे साथियों इस बात को आरती भी नहीं समझ पाई और फोन मिलाई छोटू आ गए। आज जब छोटू घर आ गए तो रविकांत विष्णुकांत अन्य भी लोग पकड़ करके कमरा में बंद कर दिए। और आरती के जीजा का नाम था पवन यादव मिथिलेश यादव, ये खड़ियंत पहले से था। वो लोग भी पहुंच गए। आप पहुंच गए तो उस जिस कमरा में छोटू बंद था 8-10 आदमी घुस गए और मारना शुरू कर दिए। राड से मोरा से डंडा से मारना शुरू कर दिए। यहां तक कि आरती को मार करके दूसरे कमरा में बंद कर दिया गया। आतर जो वही है एक नई नवेली नार गई थी मेला में, लेकिन उसका चारों तरफ मेला में घूमती है लेकिन उसका मन सेतु नहीं मिला यार। तो कहती है क्या, बेकार लागे मेलावा में, बेकार लागे मेलावा में यार ना भेटाय हो। इसी भाव में लोग करते हैं क्या, कोठरिया में बंद भैली आरती पिटाए हो। कोठरिया में बंद भैली आरती पिटाए हो। कोठरिया में बंद भैली
तीनों कभी सने सभी योजना बनाय हो कोठरिया में बंद भैली आरती पिटाय हो सोचने वाली बात है। एक कोठरी में प्रेमी एक कोठरी में प्रेमिका दोनों एक दूसरे को देख नहीं सक पा रहे और उधर आहिमाई आई बाप कवा छोटी आलू करते किसकी की आठ दस शादी मार रहे। कहना है लाठेरा डमू वाला से हो तबा पिटाई आई आई बाप रहने जिलाई आज तब तक कहीं से मोबाइल मिल गया हाथ में आ गया आरती को आरती चार बजे रात में फोन कर दिया ग्राम रहरिया आज जब फोन किया तो छोटू का महिला भाई जिसका नाम था मोनू यादव आज जब मोनू यादव को फोन मिला तो मोनू यादव अपने बड़े भाई विश्वास से बोल दिया कि भैया ऐसी ऐसी मतलब है ऐसी ऐसी घटना हो रहा है छोटू के साथ में। चार बजे भोर में आरती होनावा मिला जहो कोठरिया में बंद भैली पिटाई हो चार बजे भोर में जब फोन गया रहरिया ग्राम तो छोटू के पिता उमेश यादव सभी लोग घबरा जाते हैं। धीरे धीरे गांव में सुनगुन होने लगा कि मामला यह क्या है यहां कभी का भाव टेरी में देना है। अरे कुंवारी विधवा बन ली आरती अरे कुंवारी विधवा बन ली आरती अंत में कंठ सटा के दिए जान से मार अंत में कंठ सटा के दिए जान से मारी कुंवारी विधवा बन ली आरती। मेरे साथियों कहना तो नहीं चाहिए बहुत बेरहमी से लोग मारे तड़पा तड़पा करके मारे छोटू यादव को। यहां पर ककहरा मिलेगा को से उठेगा धो से बंद हो जाएगा बीच में अंग इया आड़ा तीन मात्रा कट जाएगा। किया मोबाइल से काल खास आरती बेहाल किया मोबाइल से काल खास आरती बेहाल गौर हरिया दाता काल घबराए बेटिया चतुर पवन मिथिले क्षण में ढाहे ले कलेश दुर्म कर विशेष झिलमिलाए बिटिया तब से सुने भी सवार ठीक घर में बोले खास डियर चला है हताश ढीमिलाए बिटिया तुरते लोग जुट गए भाई तुरते लोग जुट गए भाई हे यार बात समझ जाए आई दौड़ चले गाँव खरसाई धीरज भाई बिटिया
दौलत चले गांव खरसाई धीरज खाए बिटिया। देखिए ये विश्वास यादव छोटू का भाई घर में बोल दिया कि मैं जा रहा हूं, ऐसी ऐसी बात है, आप लोग आइए। तो छोटू का बाप उमेश यादव भी गांव में 10 जवान को जुटा करके बोल दी कैसी ऐसी मामला है। तो आगे तो विश्वास चल दिए, आबाद उसके पीछे उनका पिता छोटू का उमेश यादव चल दिए। आज जाते हैं वहां की बात क्या होती है मेरे साथियों, क्या नजर में देखते हैं कि कमरा में बंद करके 8-10 लोग मार रहे हैं, बहुत बेहरामी से तड़पा तड़पा करके मार रहे हैं छोटू को। आतर्जी भैया हम तो है पूछिला मालिनी रे माली, हम तो कहे के चढ़वलू पासी फुलवाए माल, कहे के चढ़वलू पासी फुलवाए माल, कहे के चढ़वलू पासी फुलवाए माल, कहे के चढ़वलू पासी फुलवाए माल। हथवाया गोढ़ावा में पहले रसरिया हो, बंद करके मारे ले को थरिया ले मीतावा, 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 मार रहे हैं छोटू को। उधर केवल आवाज सुनती है आरती कुमारी, आवाज सुनती है, आवाज सुन करके हाय हाय छाती पीटती है, लेकिन करे तो क्या करे। अरे खाली आवाज सुने आरती कुमारी आओ, रोवेली भरी के न जरिया ले मीतावा, रहता ये नात भाभी रूप दुवरिया हो, केहू नाही जाने लाखा बरिया ये मीतावा, केहू नाही जाने लाखा उनमा मिला तो देखा गौवा रहरिया हो, उनमा मिला के देखा गौवा रहरिया हो, उनमा मिला के देखा गौवा रहरिया हो। बेहोश बैली छोटू के मां यरिया ये मीतावा, छोटू
भर के नजरिया हो। भेड़िया भैला बादू वरिया ये इधर ग्राम रहरिया में उमेश के दरवाजे पे भीड़ हो गया। छोटू के माँ का दांत पर दांत लग लगा, बेचारी बेहोश हो गई। गांव के लोग जुट करके कोई दांत फोड़ देता है, कोई पानी देता है, कोई हवा मारता है। हाहाकार मच गया पूरे रहरिया गांव में कि छोटू के साथ में ऐसी हादसा होने वाला है। आ उधर उमेश यादव पहुंच गए थे। आ इसके पहले उनके लड़का भी पहुंचे थे, विश्वास जी जेठा लड़का। आज जब पहुंचे तो सभी लोग मजबूर थे, क्योंकि 8-10 आदमी जहां कमरा में है मार रहे हैं, ये करें तो क्या करें। बोले थे अपने गांव में जाने के लिए, लेकिन लोग चल भी दिए थे। आगे तर जो है तर्ज वही है, अरे ये हो वाला मेल तोहरे ना चरा में भेल, तनी मंगानिया दई दना, तनी मंगानिया दई हम के जिन जाना पुरनिया, तनी मंग बरहुआ से 4 किलोमीटर गौवा बार रहरिया, डरिया लागे नी सवा, डरिया लागे नी ऊ में चलने कौने घरिया, डरिया लागे सुबह भीड़ भय दुवार बरहुआ मचल हाहाकार, डरिया लागनी दवा, डरिया लागनी दवा, जिला परिषद के जी करिया, डरिया उमेश यादव पहुंचते हैं। पहले तो विश्वास छोटू का भाई जाकर के हाथ जुड़ा कि मेरे भाई को छोड़ दीजिए, गलती हो गया, लेकिन लोग नहीं माने, विश्वास पर भी चाटा चला दिए। इस बेचारा का आग पजरब गया था, थोड़ा लाल हो गया था। उमेश यादव भी गए, उमेश यादव भी कहते हैं कि छोड़ दीजिए, जो होगा 2-4 आदमी बैठ करके समझ बूझ लेंगे। आरती के बाद धीरज यादव उमेश यादव पर भी लाठी चला दिया। तो उमेश यादव भाग करके आ गए अपने ससुराल में, उसी गांव में इनका ससुराल था। और इनका लड़का जब पिटा गया तो वो भी पापा के पास चलाया। लेकिन एक बात यहां पर है, जब उमेश यादव पहुंचे थे छोटू यादव, जब आरती के घर छोटू यादव को देखे तो छोटू यादव पानी का इशारा किया था, पानी का इशारा किया था। और वही अपने बाप को देखते हुए उमेश को छोटू यादव पानी की इशारा कैसे किया और क्या बोला था। तर्ज वही है, एक औरत का पति था कलकत्ता, वो घर आया हुआ था। आज जब घर आया हुआ था तो औरत अपने पति से बोलती है क्या, अरे हे सैया सुन ला सुनाई कलकतिया, अरे जबले नथिया में, जबले नथिया में जोड़वई बापतिया, हे सैया सुन ला सुनाई कलकतिया,
इसी भाव में बोला था छोटू यादव पानी की सारा किया था अपने बाप को देखो रुमेश को। हे पापा जाली मन से जनमा बचाई ला, अरे जाला परान हमर जाला परान हमर पनिया पिलाई दो, हे पापा जाली मन से जनमा बचाई ला, धीरज यादव उमे से पर लाठी चलाई, भाग करके अइला ससुरिया में आई, अरे छोटू के भाई के पानी के गिराई दो, हे पापा जाली मन से जनमा बचाई ला, उमेश यादव के मन में था कि मैं पानी पिला दूं, लेकिन मजबूरी ये थी कि उसमें 10 आदमी कमरा में थे, 12 आदमी मार रहे थे, ये तो चले आए क्योंकि उमेश यादव का ससुराल वहीं था, आ गए। और इसके बाद विश्वास को भी धीरज यादव बोलते हैं कि छोटू का भाई है, इसको भी मार करके बांध के गिढ़ा दो। ये भी बेचारे भग करके आए अपने ननिहाल पापा से बोले कि ऐसी ऐसी मामला है। अब वो लोग बोलते हैं कि जिला परिषद आएगा तो कुछ बात होगी, जिला परिषद आएगा तो कुछ बात होगी। आ तब तक रहरिया गांव से नौजवान पहुंच गए 10, तोड़ फोड़ मचाने लगे। आज जब तोड़ फोड़ मचाने लगे तो धीरे धीरे ये लोग सरकना शुरू कर दिए, आज सरकना शुरू कर दिए। इसके बाद फोर्स भी आ गया, तब फोर्स आ गया तो मौके पर तो धीरज यादव गिरफ्तार हो गए, रविकांत भी गिरफ्तार हो गए, बाकी लोग फरार हो गए। अब बाकी लोग फरार हो गए, आज छोटू यादव को निकाला गया तो छोटू यादव मरा हुआ था। मेरे साथियों बहुत बेरहमी से तड़पा तड़पा के लोग मारे, नाखून भी नोच लिया गया था, करंट लगाया गया था, जहां जहां करंट लगा हुआ था काला हुआ था। प्रशासन रानीगंज थाने के सो कौशल कुमार जी की सामने, प्रशासन की सामने आरती कहती है क्या रो रो करके, अरे साहब दरोगा जी, साहब दरोगा जी, अरे आरती कहेली असुवाया अपन बहाय, साहब दरोगा जी रवि कांत विष्णु कांत रुबिय संग चाहे पाप हो माई, पवन मिथिले से जरूर और चंदन और भारी पान कसाई, साहब दरोगा जी साहब दरोगा जी, अरे सब ही कहे ले शादी देव कराए, साहब दरोगा जी सब ही कहे ले शादी देव
आरती कर रही है दुर्गा जी की सामने, किसमें पूरा परिवार शामिल है छोटू के मर्डर में। हमें धोखा मिला, लोग कहे थे कि बुला लो शादी कर दिया जाएगा और आज बुला करके सभी लोग घात कर दिए। ये आरती का कहना है जहां पर वो छोटू के बाप उमेश पे। आरती ये भी कहती है कि चाहे मेरा बाप धीरज हो, मेरा भाई रविकांत विष्णुकांत हो, मेरी माँ हो, मेरी दादी हो, मेरी भाभी रूबी, मेरा जीजा पवन और मिथिलेश यादव, मेरे भाभी का भाई रूबी का अरुण और चंदन, ये सभी शामिल हैं छोटू की मर्डर में। कहना है पहपट में मेरे साथियों, अरे कहे आरती पैरी मोर परिवार मार धोखा के बाप, कहे आरती पैरी सब परिवार मार धोखा के बाप, और लिखी तो रहूगा सब पर भैया मार धोखा के बाप। अरे पटना से कुछ दूर जागे बाप, देखो जिला अररिया हो, अखरसाई बरहुआ लागे मरघट हमें नगरिया हो, अरे रानीगंज के थाना तक कौशल कुमार मार धोखा के बाप, और छोटू नाम पर रहे साफ कुमार मार धोखा के बाप। आरती बोली कि छोटू के नाम पर आजीवन कुंवारी रहूंगी, शादी नहीं करूंगे, लेकिन छोटू के हत्यारों को गिन गिन कर गिरफ्तार करवाना है और करना है। आगे भाव अल्लाह का है। और धीरज या तो बाप रबी कांत पकड़ ले बाबू, पवन मिथिलेश दूनो रहल फरार, मीडिया सोशल पर बात, मीडिया सोशल पर बात वीडियो वायरल भइले दादा, दैनिक उजाला में छपल बा समाचार, मौसी थाना गांव में धेले सके लकुनवा बाबू, मौसी थाना गांव में धेले सके लकुनवा बाबू, पुणिया जिला झाली घट के पवन कुमार, भरगामा थाना गामा गोलाहा के रूपी रहली,
भरगमा थाना गवा गोलाहा के रूपी रहली लिखल रपटिया ये सो कौशल आरती के लेके अइले गौमा जब रहरिया बाबू बेटा बा छोटू के जब करौले संस्कार लागल बा करंट जहां काला बा बदनिया भैया हाथ गोड़ के नाखून नो जाय सरकार आरती कुमारी दिहले हाथ से अग्निया बाबू आरती कुमारी दिहले हाथ से अग्निया बाबू आरती कुमारी दिहले हाथ से अग्निया बाबू पूरे हई भारत में बचल बा हाका बहिने आरोप के ना भैले गिरफ्तारिया दादा भूदे पर शासन कब मिले है गद्दार भूदे पर शासन कब मिले है गद्दार छोटू यादव कैलाश को दाह संस्कार करवाए आरती अपने हाथ से चीता में मुखा अगिन दिया और प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन कुमारी रहूंगी छोटी के नाम पर शादी नहीं करूंगी। जहां जहां करंट लगा था वहां बदन काला था नाखून भी नोच लिया गया था बहुत बेरहमी से तड़फड़ा के लोग मारे थे। मेरे साथियों लास्ट विरह की खड़ी में कहना है क्या छोटू यादव को कंट से उड़वले ससिया और रानीगंज देख थाने में लिखायल के सीधा छोटू यादव को कंट से उड़वले ससिया और रानीगंज देख थाने में लिखायल के सिया छोटू के पिता उमेश यादव संग आरती दिया गवाही हो आ थाना प्रभारी पुलिस प्रशासन सभी रहे सराही हो सभी लोग क्या कहते हैं थाने अध्यक्ष रानीगंज का कौशल कुमार का भी कहना क्या है अरे मानव आज बलिदान खा गए जिंदा मसीहा रानीगंज देख थाने में लिखायल के सिया
आज आरती छोटू के घर है, रहरिया ग्राम में है, लेकिन एसपी और डीआईएसपी से गुहार लगाती है क्या? क्या कहती है? अरे एसपी डीआईएसपी से आरती कर ली गुहार हो, आ छोटू के हत्यारन के जल्दी हो जा गिरफ्तार हो। अरे राजा ने भगवान का पूरी है रसिया, और रानी गंज देख थाने में लिखा के दिया। आरती के लेके इन्हें गाँव जब रहरिया, आ छोटू के घर में बाली आज आरती कुमरिया। लास्ट बिरहा में कहना है क्या? ये मैं नहीं कहता हूँ, सभी कहते हैं, मीडिया सोशल पर भी सुने हैं, सभी का कहना है क्या? अरे कहे आरती हत्यारन के हो जा फसिया, और रानीगंज देख थाने में लिखा के। घराने का परिचय देते हुए लास्ट में कहना है क्या? रमन रतन लाल गुरु कल्लन गंगा सागर का गाना। अरे मृत्युंजय पिंटू परदेशी अभिषेक जालिम बना जमाना हो, अरे कुमारी विधवा बन ली आरती, अरे कुमारी विधवा बन ली आरती, और लिखते दिनेश मास्टर लक्की की तैयारी कुमारी विधवा बन ली। अरे कुमारी विधवा बन ली आरती, और लिखते दिनेश मास्टर लक्की की तैयारी कुमारी विधवा बन ली आरती।